आइटम सॉन्ग बोले, रियलिटी शो, रियलिटी शोज बोलिए, मैं मेहनत करके आई हूं, मैं जहां जाती कंट्रोवर्सी हो जाती, कंट्रोवर्सी चाइल्ड जिसको बोलते हैं, मैं कभी चाहती नहीं हूं लेकिन वो मेरे साथ हो जाती है। उसका इस आदमी ने फायदा उठाया, झूठी शादी मेरे साथ, उसको बॉलीवुड में जाना था, मुझे इतना मार मारा है इस आदमी ने, इतना मार मारा, सलमान से मिला, शाहरुख से मिला, फराह खान को गले पे चढ़ गया था एक दिन छाती पे, इसका कहना है कि फराह खान को नहीं भाई, सलमान से कभी नहीं मिला उसने, पूरा अबू धाबी साक्षी है, पूरा अबू धाबी साक्षी है। लास्ट ईयर आईफा अवार्ड में जब सलमान खान आए थे तो उन्होंने मुझे गले लगाया था, मैंने सलमान जी को आदिल से मिलाया था, आदिल को सलमान ने ऐसा करके हाथ मिला के कैसा है ध्यान रखना ऐसा बोला था भाई ने, पूरे अवाम के सामने उन्होंने बोला मैंने दूर से देखा है, 50 मीटर की दूरी से। अच्छा तो अभी नहीं नहीं मेरा खत्म नहीं हुआ है, सुनो कोई फोटो है आदिल का सलमान के साथ, आईफा से ले लो, आप आईफा से वीडियो ले लो, आईफा अगर दे दे तो ले लो, हाँ उनके वीडियो, उनके पास वीडियो है। अच्छा राखी अभी सलमान खान से कोई बात हुई, बिकॉज ही इज लाइक योर ब्रदर, आपने बहुत सारी कंसल्टिंग भी उनके साथ की है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो सलमान खान से नहीं मिले, तो सलमान खान भी अभी इस बात के गवाह तो है ही एक्चुअली, तो आपने इस बात की उनके साथ कोई बात हुई है फोन पर या उनकी टीम के साथ, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सलमान, पहली बात तो आप सोचिए, पहली बात तो सोचिए, उसने मेरा मैरिज डिनाई किया था, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, मैं मराठी बिग बॉस से बाहर आई थी, मुझे इतना मेंटली टॉर्चर उसने किया था जब मैं मराठी बिग बॉस से बाहर, आप लोगों को सबको पता है ये स्टोरी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आई वॉज कंसीविंग दैट टाइम, और जब मुझे पता चला, मैं माँ के टेंशन में थी, जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चला, अवैध संबंध विद बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे जब पता चला उस वक्त मैं स्ट्रेस में आ गई एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, मेरा मिस कैरेज जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं कोई मिस कैरेज नहीं था, मैं तुरंत उसी टाइम पे मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे साथ ये हुआ है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा मिस कैरेज हुआ जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है, मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है, वो गुनाह है, आदिल के टॉर्चर की वजह से मुझे हुआ था, अभी मासूम बन के आया है, वो ईरानी लड़की ने उसको जेल में 6 महीने डाला, उसका नाम नहीं ले रहा है, और किसी ने जो उसके 8 केस है मैसूर में 420 के, आज कितने केसेस है आपने देखे, मैंने मैंने आप लोगों को भेजा है, आप देखिए 8 केसेस है क्रिमिनल केसेस, उन्होंने उनके बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मुझे टारगेट किया, क्यों उसको पब्लिसिटी, उसको बिग बॉस जाना है, उसके एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है, बन जाओ, लेकिन राखी का नाम लेके क्यों यार, मेरा इस्तेमाल स्टार बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, शादी तुमने कहा हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम की कदर करती हूं, तेरी तरह नहीं हूं, नल्ले नल्ले तेरी तरह नहीं हूं आदिल, कि तू तो जन्म से मुस्लिम था ना, तू मुझे बता सकता था ना कुरान पे हाथ रख के, तू झूठी कसमें खाता था कि मैं तुझे बिजनेस में धोखा नहीं दूंगा, तूने शॉर्ट पहना, तूने सर पे टोपी नहीं रखी, तू मुझे बता सकता था ना कि कुरान पे हाथ ऐसे नहीं रख सकते, अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम दुपट्टा पहनो, उसने बोला कि आप कुछ खिला दिए थे उसको, और जब आप कुरान शरीफ जैसी पाक किताब पे हाथ रख रहे हो तो पहले वजू करना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है, उसके बाद आपके जो कपड़े हैं वो लिबास अच्छे दुरुस्त होने चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए या रुमाल होना चाहिए, क्या उसको नहीं मालूम, मैंने उसे साफ साफ कहा था, उसने कुरान पे उस वक्त हाथ रखा, वो पूरा होशो हवास में था, मैंने कहा तुम्हारे सारे अफेयर के वीडियोस जो मेरे मिस कैरेज हुआ ये हर चीज का है, अब मैं फाइनली जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, मैंने फाल्गुनी सब मैं अब मैं जा रही हूँ, तब उसने बोला मुझे एक चांस और दे,
मैंने कहा तुम हर वक्त झूठे बोले हो। उसने एक बार कुरान की कसम नहीं खाई, उसने हमेशा दो बार, दो वीडियो तो मैंने ही आपको भेज दिए, उसने हमेशा झूठी कसम खाई और तोड़ी है। अरे तू तो मुसलमान होके तू तो खुद मुसलमान नहीं बना है, कुरान पाक की झूठी कसम खाई है। मैं तेरा पैर पकड़ पकड़ के तुझे कहती थी चल नमाज पढ़, मैं इस्लाम की इज्जत करती हूं, मैं मुस्लिमों की इज्जत करती हूं, लेकिन ऐसे घिनौने कीड़े आदिल जैसे लोगों की वजह से मुस्लिम लोग बदनाम है। ऐसे लोग मेरे पास क्या है? उसने मुझसे पहली बार उसने मुझे तब उस वक्त कहा था कि मैंने कहा था चलो कोर्ट में शादी करते, तो उन्होंने बोला नहीं मैं मुसलमान हूं, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो अब मैं इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मैंने किया, बट उन्होंने कहा आपने कोर्ट मैरिज भी की है और आपको इस्लाम, हाँ की है ना, वो तो बाद में कराई ना, क्योंकि मुझे इनके इनके इनकी जो यूके की आंटी है वो मानने को तैयार ही नहीं की, नहीं तुम हमारी बहू नहीं हो। मुझे बहुत बातें हैं। आदिल का ये भी कहना है जी, आदिल तुमको 8-9 लाख रुपए पर मंथ खर्चे के लिए देता था, आदिल का ये कहना है कि वो पर मंथ आपके ऊपर 7-8 लाख रुपए खर्चा करता था, एक डायमंड का नेकलेस दिया उसने आपको दुबई मॉल में, लाख रुपए का ड्रेस दिलाया। मैं बोलूं, मैं बोलूं, शॉपिंग कराई लाखों रुपए की। मेरे घर में आप अभी आइए, डॉल्बेन गबाना गुची और क्या लुई विटोन और मोब्लांक, मैं जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। तो बोलना भी नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको ये बोलती हूँ, ये तो पूछे जो तेरा कार्ड है क्या इंटरनेशनली चलता है, क्या क्या स्टेटमेंट है क्या? एक बार मैं आप लोगों के सबके चरण धो के पानी पी लूंगी, उसको बोल तेरा कार्ड चल रहा है। नहीं चलता था क्या? नहीं, ऐसा दुबई में उसने आपको फ्लैट दिलाया। रिजवान भाई डैनियो दुबई में, मेरे बैंक का स्टेटमेंट आप लेकर जाओ, जब मैंने मेरे अपने अकाउंट से पैसे भरे आप उसमें 6-6 महीने का देखो आप के आदिल एक रुपया भी डाला है क्या उसमें। मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई, एक मिनट, उसने मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई, मेरे पे एक रुपया खर्च नहीं किया। हम लोग अवार्ड नाइट वहाँ पे करते थे, तो वहाँ पे अवार्ड वो क्या करता था, अवार्ड देने का वो क्या करता था पता, 2 लाख रुपया ले लेता एक अवार्ड दिलाने का, कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है 2 लाख रुपया दो। तो हम उस वक्त मॉल में जा रहे थे, तो वो जो नकली हार था ना, अब क्या है ना, उसने बोला अपने पति को बड़ा नहीं दिखाएगी तो तुझे लोग थू-थू करेंगे, तो मैं ये नकली हार लेता हूँ जो के 2000 दिरहम का था। 2000 दिरहम कितना होता है? आप मेरे साथ उस शॉप में चलिए दुबई में, मैं जाऊंगी इस बार वहां से फोन करूंगी, सेम नेकलेस लूंगी, बिल भी दिखाऊंगी। 2000 दिरहम का वो ऐसा करके उसने बोला था कि मैंने कि तू ऐसा करके मैंने तुझे, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या था कि वो बाद में मीडिया में उसको दिखाना है करके, चल मैं तुझे लेकर देता हूँ 2000। उसने गाड़ी नहीं दी मुझे, गाड़ी शैली ने दी, राजा राम ने दी, वो आज बंद पड़ी है, मैं ऑटो में घूमती हूँ। उन्हें इतनी गंदी गाड़ी दी जिसमें ना उसका मशीन चलता है ना कुछ, खोखा है। वो आदिल खान दुरानी गरीब है। आदिल ये कह रहा है इतना पैसे मैंने आपके लुटे उसके में तो मैं खुद ही प्रोडक्शन अरे अभी तो लॉन्च होना यशराज में, अब तो तू सारी मीडिया को तुझे मैंने बना दिया, जो तुझे चाहिए था तू बन गया। तुझे क्या लगता तुझे कंट्रोवर्सी करते, मेरे पास ऑडियो है, मैं तुम्हें सबको भेजती हूँ, सलमान शाहरुख आमिर
रणवीर को रिप्लेस करेगा बोलता ही है। मेरे पास पूरे ऑडियो मैं सबको भेजती हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है, उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं पुलिस में जा रही हूँ, मैं पुलिस में जा रही हूँ। मैंने बोला था पहले भी, आपको सबको बोला था पुलिस में जा रही हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला वहाँ पे ईरानी ने, तो इसने बोला आई लव यू जाना, मैं तो राखी को आई एम लिविंग राखी इन डिसम्बर, आई हैव ऑल द आइडियाज। उसने कहा कि यू मैरिड टू हर, ओह दिस इज अ फेक ब्लडी हेल मैरिज, आई वांट अ वाइफ लाइक यू। मैंने सबको भेजा है, सबको भेजा है। तो सलमान खान को भी लेकर एक दिन शूटिंग करेंगे, राखी विल कन्वेंस, ये सब भी मेरी आते वीडियो बातें हो रही। उसने सब झूठ बोला है, उसने मेरा इस्तेमाल किया, देश की जनता को कहना चाहती हूँ, उसने मेरा इस्तेमाल किया हीरो बनने के लिए, बॉलीवुड में आने के लिए, बिग बॉस में जाने के लिए, उसने मेरे इनोसेंस का फायदा उठाया। जब मैं बिग बॉस में गई थी, उसको 10 लाख रुपए का चेक देकर गई थी मेरी माँ के इलाज के लिए। और वो जो उसने कहता ना कि देखो मुझे मम्मी बहुत प्यार करती थी, मेरी माँ से यहाँ पीछे बैठी है, बिग बॉस वालों ने बोला था क्रिसमस आ रही है तो राखी का वीडियो बना के ना मम्मी के साथ भेज दो और मम्मी को बिग बॉस में लाना है। भाई उस हराम ने क्या किया, मेरी माँ बिग बॉस में आना चाहती थी मराठी में, मेरी माँ को नहीं लेकर आया, खुद तैयार होकर आ गया, क्योंकि मैं तो अंदर, मुझे लगा मेरी माँ आ रही है, लेकिन ये खुद आ गया अंदर, मेरी माँ को नहीं लाया। मेरी माँ से वो क्रिसमस का जो था ना मेरी क्रिसमस का, वो वीडियो बना के कल आप लोगों को दिखा रहा था। आ, बता दुबई डांस एकेडमी को लेकर कल आदिल ने कहा कि आपने कई दफा उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है, आपने कहा है कि आप उनके दुबई करवा देंगी, इस बात में कितनी सच्चाई? मुझे आप प्रूफ दीजिए, अगर मैंने उसे धमकी दी तो मुझे प्रूफ दीजिए। अब मैं बताती हूँ, मुमताज जी जो है मैसूर में, मुमताज आंटी जो है इनकी कुछ लगती है, उसके बेटे ने मुझे ताज में, यहाँ पे ताज में मेरे साथ ऐसे बैठ के ऐसा पूरा वीडियो वायरल किया था। उसको ट्रक से, वो बाइक चला रहा था, ट्रक से उसको उड़ा दिया आदिल ने, और आदिल ने मुझे बोला मैं बिग बॉस में थी, मैं पैसा देकर गई थी, इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसने वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन दोनों का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल दिया, उन्होंने उसके नाम का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, मेरे पैसों पे मेरी ऑफिस, मेरा हस्बैंड, मेरी जिंदगी ऐश कोई और कर रही है, आप समझ रहे हो। और मैं पैसे देकर गई थी, वो मेरे पास पूरे रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है, कितनी कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्होंने किया वो सारे प्रूफ है, सारे वीडियो सारे प्रूफ है मेरे पास। मेरी माँ को इसने कभी पैसा नहीं दिया, मैं 10 लाख रुपए देकर गई थी, मेरी भाभी ने हाथ जोड़ के, इसकी माँ कोमा में चली गई है, इसकी माँ कोमा में चली गई है, एक मिनट, इसकी माँ कोमा में चली गई है, पैसा दो। ये फोन नहीं करता था बिल्कुल भी, भाभी का फोन नहीं उठाता था, और मेरी माँ कोमा से ऊपर चली गई, और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हूँ इसके मुंह पे। कहता है आदिल खान थूकती हूँ इसके मुंह पे, कहता है कि जिस दिन इसकी माँ मरी वो बिरयानी खा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने लिया, देखा हमने भी है यार, एक एक पॉइंट है, कौन सी औलाद है, चाहे इंडिया नहीं बाहर, कौन सी औलाद है जिसकी माँ जिस दिन मर जाए वो खाना खाए। आपके सबके सामने सबूत है, उसने क्या बोला, उसकी माँ 3 बजे मरी, वो जाने रही जब तक मीडिया नहीं आई। बोलते ना सब पकड़ लेते हैं, और आपको लगता है कि मैं तब तक, आप लोग मीडिया वाले हो, सच का सच, सच का झूठ का झूठ आप लोग बताते हो, आप लोग कब पहुंचे, जब मैं ऊपर से नीचे आई बॉडी बांध के, मैं मेरी अकेली, मेरी फ्रेंड राश्री और फाल्गुन, मैंने, आप नहीं थे, राश्री और मैं, मेरा भाई, हम लोग थे, तब मैं जब ऊपर से नीचे आई तब आप लोग नीचे थे ना, क्या ऐसा हुआ था कि जब आप आने के बाद में ऊपर गई थी? ऐसा नहीं हुआ था। राखी सावंत जी एक सवाल है, ये वो साड़ी है जो मैंने 10 बार पहने, क्या आपको लगता है जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस दिन मैं ऐसे हंस रही होगी? सेम साड़ी मैंने 3-3 बार पहनी, तो सेम साड़ी में कहीं खाना राष्ट्र के घर पे खाना खाया होगा, वो वीडियो कल दिखा रहा, मतलब मैं लाना था, मैं तो विश्वास निकल गया जब जिसकी माँ मरी सेम साड़ी पहन के उसने खाना खाया।
ये एक वीडियो, मैं गाना भी कर रही हूँ और ये दूसरा भी वीडियो, शांति से बैठी, साड़ी सेम है, वही साड़ी में 2-3 बार मैंने पहनी है। नहीं, मैं आदिल को अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ अब, क्योंकि मैंने डाइवोर्स हम मैं फाइल कर रही हूँ। उन्होंने इतने घिनौने इल्जाम मेरे पे लगाए कि रितेश और मैं लंदन में एक कमरे में थे, तू तेरे आग छुपाने के लिए मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। मैं तो लॉयल हूँ, रितेश ने तो सब बता दिया कि मैं तो लंदन गया ही नहीं, रितेश ने तो बता दिया, आपके सामने बोल दिया उसका पासपोर्ट का। और नहीं नहीं, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने, मैं तो लॉयल थी, मैं तो जब से शादी करी आदिल के साथ रितेश को मिली भी नहीं, मैं तो लॉयल थी, मैंने निकाह किया और मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्दी आपको 25 तारीख को एक गुड न्यूज मिलेगा जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो खुदा ने मुझ पर रहम किया है क्योंकि मैं नमाजी। फिर वैसे ही हुआ ना, नहीं नहीं तो फिर वैसे ही हुआ ना, अगर 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 रितेश की शादी पहले हुई है, अगर उसका डाइवोर्स नहीं है, अगर समझो मेरी उसके साथ शादी हुई तो मेरी भी शादी लीगल नहीं हुई। शादी लीगल है या नलर बॉय है, वो फैमिली को नहीं जा सकते हैं और इस शादी को नलर बॉय प्रूव कर सकते हैं। आदिल आज भी कह रहा है कि और मैं उससे बहुत प्यार, आज बोला ठीक है, तो इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है जी, एक मैं बड़े बड़े ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ आधिकारिक तौर पर कि आज भी आदिल राखी को आपने बीवी मानता है और बहुत प्यार करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आज की बात है। और मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ, रितेश बहुत अच्छा इंसान है। जब लॉकडाउन में मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास अनाज नहीं था, मेरी माँ को कोरोना हुआ, मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए घर में 1 रुपया नहीं, कहाँ से कमाऊँ क्या करूँ, रितेश एक भगवान जैसे मेरी जिंदगी में आए, मेरी माँ का ऑपरेशन 4 बार कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मैं वहां पे मैं एक ऐप पे जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसे, मैं कोरोना के नाम पे अनाज भरूं, वो कहां कहां से अनाज मेरे घर में बेचता था, सब्जियां बेचता था कोरोना काल में। तो रितेश मेरी जिंदगी में भगवान की तरह आए, मेरी माँ का इतना सेवा किया, इतना सर्जरी कराया, एंड तक मेरी माँ के जबान पे आदिल नहीं था, सिर्फ रितेश था। अच्छा, ये भी आरोप है कि आप हर किसी के पास जाकर अपने माँ के नाम को लेकर, काफी लोगों से आपने सिर्फ अपनी माँ दिखाकर किसी से 4 लाख लिए, किसी से 3 लाख लिए, किसी से 2 लाख लिए, ये डोनेशन आप लिया करती थी। मैं मेरे किसी से 2 लाख 3 लाख लेती हूँ मेरी माँ के नाम पे, तो सलमान भाई के पास मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरी माँ को बचा लो। सलमान भाई ने इतना पैसा खर्च के मेरी माँ का ऑपरेशन किया कैंसर का, कोरोना के टाइम पे, उसके बाद भी कैंसर बढ़ गया। और फिर मैं जब मैं थक हार के, मेरे पास अब पैसा नहीं है माँ का इलाज करने के लिए, मैं बैंकक्रॉफ्ट हो गई, मेरे पास नहीं है पैसा, मेरे भाई को बोला भाई मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा था, मैं बिग बॉस से आने के बाद कोमा चली गई, कुछ करो भाई। तो भाई ने भाई मेरा जो है जो राधे मीरा ट्रस्ट के चेयरमैन, पूरा उन्होंने हॉस्पिटल का खर्च किया और इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किए क्रिटिकल हॉस्पिटल में नाम जोशी जी के पास।